चंबल की बिहड़ की जमीन का वन विभाग को आवंटन रद्द किया जाए। किसानों ने सत्याग्रह कर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। होली के बाद होगा जेल भरो आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। खबर संबलगढ़ से। चंबल के बिहड़ के ग्राम अटार मदनपुरा देवलाल का पूरा खेरो खीरकारी रहू का गाँव डिगवार रेमजा का पूरा आदि आज कि 600 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को आवंटित की गई है। यह जमीन रक्षा संस्थान को आवंटित जमीन के एवज में दी गई है। इस जमीन पर 1000 से ज्यादा परिवार 4 पीढ़ियों से काबिज होकर खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस जमीन के आवंटन से किसान बेघर बार हो जाएंगे, रोजगार का दूसरा जरिया नहीं होने से भूखमरी के शिकार होंगे। मध्य प्रदेश किसान सभा ने इसके विरोध में कई बार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किए हैं। कलेक्टर महोदय मुरैना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहानुभूति पूर्वक कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है, परंतु अभी तक कार्रवाई को मूल रूप नहीं दिया जा सका है। वन विभाग के अधिकारी आए दिन मनमानी करने पर आमदा हैं। इसके विरोध में किसानों ने एक बार फिर सत्याग्रह कर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय संबलगढ़ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM अंकिता धाकरे को दिया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। वहीं सत्याग्रह में बड़ी संख्या में चंबल के बिहड़ के रहवासी महिला पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से अशोक तिवारी, मुरारी लाल धाकड़, जगदीश रावत सरपंच, घमंडी रावत, काशी राम केवट पूर्व सरपंच, रघुवीर केवट, शिवचरण रावत, रामदास रावत आदि ने किया। किसानों ने ये संकल्प लिया है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो होली के त्योहार के उपरांत गांव-गांव में किसान महापंचायतें करके डेरा डालो घेरा डालो और जल भरो आंदोलन किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी है। प्राइम न्यूज 24 से जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट।